ये मौल साहब की बिरयानी। ये हो गया भाई नींबू का रस, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं देखो हर कोई अपना। ये देखो भाई माशाल्लाह मौल साहब की बिरयानी, माशाल्लाह माशाल्लाह हो गई जी दम बिरयानी। तो वेलकम बैक दोस्तों, डेली शेयर ब्लॉग में स्वागत है। देखो ये वीडियो में जो है ना मुतवा बिरयानी बनाने वाले हैं। कैसी बिरयानी बनाते हैं कि नहीं मालूम, आप लोगों के साथ में शेयर करना है, ठीक है ना। मुतवा हमारे लगे हुए अंदर तैयारी कर रहे हैं। देखो चलिए बताता हूँ क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है भैया। सऊदी अरब की ज़िंदगी है, जैसा भी बनेगा जो भी बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा मज़ा तो आना चाहिए ना, है जी। चलो देखो यहाँ पर प्याज फ्राई हो रही है, क्योंकि भैया बिरयानी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है प्याज का, प्याज के बिना बिरयानी अधूरी है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं सफ़ेद प्याज, क्योंकि यमनी वाली जो यमन की जो प्याज है ना वो फिलहाल नहीं मिल रही थी, तो हमारे पास ये प्याज थी, इसका इस्तेमाल हो रहा है। और माशाल्लाह ये है मटन, जो कि हमने 29 नंबर एग्जिट रियाद में लिया है ये, ठीक है। ये मटन है भाई, और फ्रेश फ्रेश अदरक लहसुन, और अलमराई का योगर्ट, दही, और तोकमीर, पुदीना, और दो नींबू। अभी देखते हैं भैया बिरयानी की अखनी बनाएंगे पहले इंशाल्लाह। क्या मौल साहब लोंगा ज़्यादा डाल दे रहे, कैसा पेट में से आवाज़ आना बोल रहे क्या, अम्मा नक्को बोल के इतना तेज़ की। देखो भैया मटन में खड़े मसाले, हरी मिर्च, और ये शाहजीरा, ये दम की बना रहे, अभी अखनी बना के रख देते, उसके बाद 3-4-5 घंटे बाद जो है बिरयानी बनाना है। अभी अखनी बना के रख देंगे तो अखनी ज़बरदस्त बन जाती। अब इसके ऊपर हम डालेंगे और दही, लाल मिर्च पाउडर, और हरी मिर्च डाल दिए, कोथमीर, पुदीना, और बिरयानी पाउडर डाल के अदरक लहसुन पेस्ट डाल के इसको मिक्स करके रख देंगे। अभी देखो इसमें डाल रहा हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, वैसे भी लौंग बहुत है इसमें, ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए, फिर खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। माशाल्लाह भाई कोथमीर पुदीना भी डाल दिया इसमें, अदरक लहसुन भी डाल दिया हूँ, और इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालेंगे इंशाल्लाह। पहले इसमें डालते हैं दही, योगर्ट, अभी डालेंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला भी हो गया भाई, ये मेन काम इसका अखनी का ही होता है। ये हो गई है भुनी हुई प्याज, माशाल्लाह। अभी इसमें हम डालेंगे नमक, ये हो गया भाई नींबू का रस, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं देखो हर कोई अपना अपना स्टाइल में बनाते हैं, ठीक है। ये मुतवा का स्टाइल है, जैसा जैसा मुतवा बोल रहे वैसा वैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो आधा नींबू डाल दिए इसमें, अभी अखनी को मिक्स करके रख देंगे भैया 5-6 घंटे के लिए। गोश्त को गलाना नहीं है ना, ये दम की बिरयानी बन रही है। हाँ मौल साहब, दम की बिरयानी है ना ये? ओके जी, चलो चलो साहब मिक्स कर लो साहब, आपकी बिरयानी मिक्स करो। ये मुतवा लगे हुए अपने काम में, आज मुतवा को लगा दिया मैं कुकिंग का काम, बहुत टाइम हो गया मुतवा कुछ पका रहे नहीं। अच्छा अरे आखिरी टाइम मछली फ्राई करा था, पूरा धुआं, हाँ पूरा धुआं नहीं, पूरा रूम में पूरा भर गया था धुआं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तेल डालिए, थोड़ा तेल डालो बस, क्योंकि रखना है ना अपने को 5-6 घंटे, तेल डाल देना। अच्छा जज्ब हो जाता और मटन भी गल जाता माशाल्लाह। ओके ये लो भाई अखनी रेडी हो गई है, नमक वगैरह सब बराबर है इसमें। अब इसको हम तकरीबन 5-6 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे, जब तक गोश्त भी अच्छा मसाले को जज्ब कर लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बनाएंगे बिरयानी इंशाल्लाह, वलीमे की बिरयानी। हाँ चलो रख दो माशाल्लाह, चावल रख दिए बिरयानी का, खड़े मसाले डाल दे रहे देखो इसमें, ऐसा पहले पानी में डालते, लेकिन अभी क्या है ना चावल भीगने के वास्ते रखे थे, इसीलिए ऐसा डाल के बना रहे।
बस थोड़ा 50% चावल को पका के अखनी में मिक्स कर देंगे इंशाल्लाह। ये देखो भाई माशाल्लाह मुल साहब की बिरयानी, कितने घंटे भीगा ये भी तो बोला। ये है भाई अखनी माशाल्लाह माशाल्लाह, तकरीबन नहीं बोले तो भी 6 से 7 घंटे अखनी को मिक्स करके रखे हम, जबरदस्त माशाल्लाह। मुल साहब की बिरयानी रेडी हो रही है। हाय क्या बात है मुल साहब, बस 11:30 बजे कर दो। क्या करते, काम भी जरूरी है ना भाई, काम के साथ साथ ये सब कर लेना बोले तो टाइम तो लगता है। सेकंड स्टेप डबल फ्लोर। हाँ डबल फ्लोर की बिरयानी देखो कैसी बनती है। तकमीर पुदीना लियो, हसन मामू आ जाओ। हसन भाई मिचर है आज। लियो भाई माशाल्लाह मौल साहब की बिरयानी रेडी होने को है, अभी सिर्फ दम पे रखना है। देखो ऊपर से तेल भी डाल रहे हैं मौल साहब यार। ये डाल रहे देखो तुखमीर पुदीना, जबरदस्त। ये ऊपर डाले तो कलर कहीं भी डालते हैं, कलर भी डालते जी साहब। बिरयानी तुम बना रहे, तुम्हें मालूम रहे ना, वो नहीं जी, थोड़ा चावल ऊपर रख के डालते थे। नहीं जरूरत नहीं जी। ये हो गई भैया प्याज भी रेडी। वैसे ये प्याज फ्राई करके बहुत टाइम हो गया, इसलिए थोड़ा इन्हें भी नरम है। और ये देखो जाफरानी कलर, ऐसा देखो माशाल्लाह। अभी इसको दम पे रखेंगे अपन, अपन नहीं मौल साहब रखते भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह हो गई जी दम बिरयानी माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। मौल साहब खोलने का मंच खोल दिया मौल साहब, मौल साहब की बिरयानी माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। लो भाई बिरयानी बन गई, अभी हम इसको प्लेट में निकालेंगे। लो जी भाई माशाल्लाह बिरयानी ये मौल साहब की बिरयानी। ये लो इसके ऊपर सफ़ेद चावल भी, खुश का। और ये लो कौन की बोल रहे थे भाई मटन नहीं नज़र आ रहा बोल के, ले मटन। ओके और प्याज भी, और इधर हम भी, मैंने बनाया वो मौल साहब बनाई था। लो कौन लाए कौन। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत बिरयानी है भाई, देखने में तो अच्छी है, अब खा के देखे तो मालूम होता। यल्ला हम तो बिस्मिल्लाह भाई। हम लोग पुरानी तो नहीं बनाए, और जो दही हमारे पास रखा हुआ था ये दही है माशाल्लाह, इससे हम लोग काम चला लेंगे आज। चलिए आ जाइए आप लोग भी, बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। सुबह से कंटिन्यू ड्यूटी चल रही है। तो भाई मौल साहब की बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम टेस्टी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी माशाल्लाह। भाई तो नहीं खाए लेकिन मैं खाया, और खुशबू आ रही, लेकिन अभी तक खुशबू आ रही नहीं रूम में आते कि खुशबू आ रही। मैं कहा है बिरयानी बोल के खत्म तो मिलती है। तो अभी जो है माशाल्लाह भाई को हम खिलाएंगे पालक गोश्त इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में पालक गोश्त रहेगा, कैसा बनाया हूँ मैं बनाया वो आप इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ मैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, आ जाओ जिस जिसको भूख लग रही आ जाओ। वो उसमें बिंजा डाले नहीं डाले वो पूछना था। वो से बिंजा टमाटे के, टमाटर नहीं डाले भाई अपन, क्योंकि किडनी का मसला है अपने को। तो मसला बोले तो ऐसा नहीं है, वो किडनी स्टोन का थोड़ा डर लगता अपने को टमाटर डाल के पकाने पालक में। सुना मैं भी हो, लेकिन बीजों का ज्यादा सुना था मैं, कुछ भी सालनों में भी डाले तो बीज नहीं डालना बोल के। नहीं सालन में मैं डालता हूँ समझना नहीं है, चटनी बना के खाता हूँ मैं, लेकिन पालक में नहीं डालना बोलते। वो क्या है कि उसका हकीकत तो नहीं मालूम, लेकिन अब बड़े बोलने के बाद सुनना जरूरी है, नहीं तो फिर तड़पना पड़ता। किडनी स्टोन का जो पेन रहता ना वल्लाही बहुत खतरनाक पेन रहता, वो मैं बर्दाश्त कर लिया
अल्हम्दुलिल्लाह, जब से आज तक कुछ भी नहीं है भाई। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। आप सबको रमजान मुबारक।